गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर जयश्री डाबरे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है बी एस सी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड यूनिट फिफ्थ का टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिछले लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोप या कहें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था जो कि जनरली हम लोग हमारी लैब्स में प्रैक्टिकल्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं लैब में जब हम ट्रांसफर सेक्शन काट कर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर तो दिखाई देता है लेकिन उसका रिजॉल्विंग पार इतना नहीं होता कि हमें ऑर्गेनलीज तक उसकी क्लियरली स्टडी कर सकें तो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर या फर्दर उसकी ऑर्गेनलीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जिसका रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा हो या बहुत ही हाई हो तो ये हमारी समस्या हल होती है बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम सेल प्लस उसकी ऑर्गेनलीज का भी स्ट्रक्चर हम बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं सबसे पहले हम लेंगे हिस्ट्री कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया था किसने बनाया था इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिज़ाइन बाय नॉल एंड रस्का ऑफ़ जर्मनी इन 1932 मार्टन ऑफ बेल्जियम इन नाइनटीन थर्टी फोर एंड प्रेबस एंड मिलर ऑफ कैनेडा इन नाइनटीन थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर बहुत हाई होता है द प्रेजेंट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट थ्री डिग्री आर्म स्ट्रॉन्ग जो कि लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से काफी हाई है प्रिंसिपल किस आधार पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि हमारा सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है विजिबल लाइट ये ऑर्डनरी लाइट जो आ रही है इसको फोकस करके हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स शॉर्ट वेवलेंथ की हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज एट विच दीज आर जनरेटेड फॉर एग्जाम्पल अपन लेंगे 50,000 वोल्ट पर इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ होती है 0.50 डिग्री आर्मस्ट्रोंग अतः इनका रिजॉल्विंग पावर होगा 0.50 डिग्री आमस्ट्रॉन्ग का हाफ कितना होगा हाफ हाँ 0.25 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग रिजॉल्विंग पार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से ये जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर टेन डिग्री आर्म से लेकर ट्वेंटी डिग्री आर्म पर मेंटेन किया जाता है जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था कि उसके जो लेंसेज हैं वो ग्लास के बने होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है यहाँ पर हमारे पास जो लेंसेज हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज कंडेंसर लेंसेज ये ग्लास के बने हुए नहीं हैं बल्कि किसके बने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के एक फाइन फाइबर या फाइन निडल शेप्ड कैथोड को इलेक्ट्रॉन के सोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं बाय द फाइन निडल शेप्ड कैथोड अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मेन कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस ये कंडेंसर लेंस लाइट माइक्रोस्कोप में भी होता है लेकिन किसका बना होता है ग्लास का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बना है इलेक्ट्रो का तो इलेक्ट्रो कंडेंसर लेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट और कंडेंस करके ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद मैग्निफाइड इमेज बनाता है इस इमेज का और अधिक मैग्निफिकेशन अब प्रोजेक्टर लेंस पर हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हम जो फाइनल इमेज होती है उसे हम हमारी आँख के द्वारा सीधा ही देख सकते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये फ़ाइनल इमेज फोटोग्राफिक स्क्रीन पर देखते हैं ये जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी फोटोग्राफिक स्क्रीन पर और जो ये फ़ोटोज़ बनती हैं इन फोटोग्राफ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एक और ड्रॉबैक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे हम लाइट माइक्रोस्कोप को लैब में कहीं भी रखकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम केवल वैक्यूम चैम्बर में ही रखकर काम में ले सकते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स केवल वैक्यूम में ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते हैं एयर में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से टकराने की संभावना रहती है। है तो ये इसका बहुत बड़ा है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को केवल वैक्यूम चैम्बर में रखकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जैसे चाहें जहां चाहे रखकर काम में ले सकते हैं नाउ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं सबसे पहले आता है फिलामेंट या कैथोड कैथोड जिससे इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम निकलती है सेकेंड पार्ट आता है कैथोड रे ट्यूब जिससे होकर इलेक्ट्रॉन्स कंडेंसर लेंस तक पहुंचते हैं ये एक तरह की ट्यूब होती है जिसमें से होकर इलेक्ट्रॉन्स कंडेंसर लेंस तक पहुंचते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंडेंसर लेंस यहाँ हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कंडेंसर लेंस ये एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को ऑब्जेक्ट के प्लेन पर फोकस करती है नेक्स्ट पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव लेंस ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मैग्निफाइड इमेज बनाती है नेक्स्ट कम्स दी ऑक््यूलर और प्रोजेक्टर लेंस ये दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाई गई फर्स्ट इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करती है लास्ट में हमारे पास आता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट ऑब्जेक्ट की फाइनल इस जो कि ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज को रिसीव करता है यानी कि हम इमेज को कहाँ देख पा रहे हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्किंग के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप्स में बांट सकते हैं पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम टैम भी कहते हैं टी ई एम और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम एस ई एम फॉर्म के रूप में भी कहते हैं पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे टैम के बारे में यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसको रस्का और उनके कलीग्स ने बनाया था बट द फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइमंस ने बनाया था इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोपेल करता है इंस्ट्रूमेंट में स्थित इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रीमिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्टेन्ड स्पेसिमेन पर फोकस करते हैं इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन में से पास हो जाते हैं पूरा क्रॉस कर जाते हैं परंतु कुछ स्पेसिमेन को स्टेन करने वाले मेटालिक स्टेन द्वारा एब्जॉर्ब या स्कैटर कर दिए जाते हैं स्पेसिमेन में से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा एक फॉस्फोरिस मटेरियल से कोटेड स्क्रीन पर फोकस होते हैं स्क्रीन से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरिसेंट मटेरियल को एक्साइट करते हैं टू एमिट विजिबल लाइट विच कैन बी सीन डायरेक्टली यहां पर हम जो पढ़ रहे थे इस डायग्राम के द्वारा हम उसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि किस तरह से कैथोड से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं फोकस किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेसिमिन से ट्रांसमिट नहीं हो पाते यानि कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेन मेटेलिक स्टेन द्वारा एब्जॉर्ब या स्केटर कर लिए जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो स्पेसिमिन से ट्रांसमिट नहीं हो पाते व्यूइंग प्लेट पर डार्क रीजन्स छोड़ते हैं यानी कि उन पॉइंट्स पर हमें डार्क एरियाज़ दिखाई देंगे इसलिए टेम के द्वारा बनाई गई इमेज ब्राइट और डार्क एरियाज़ का पैटर्न बनाती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एरियाज ऑफ ग्रेटर और लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टिपिकल इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ लगभग जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एनएम होती है प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट्स इट परमिट्स रेज़ोल्यूशन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू फाइव एन एम मैगनेटिक लेंसेज के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ के कारण अभी तक ज़ीरो पॉइंट वन से ज़ीरो पॉइंट टू एन एम का हाइएस्ट रेजोल्यूशन ही पॉसिबल हो सका है किसकी तकलीफ की वजह से किसकी परेशानी की वजह से मैग्नेटिक लेंसेज के कंस्ट्रक्शन और उनके ऑपरेशनल डिफिकल्टीज की वजह से इससे अच्छा रेजोल्यूशन हम अभी तक नहीं पा सके हैं अब आता है सेकेंड टाइप का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सेम सैम का यूज़ स्पेसिमेन की सरफेस को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है किसको एग्जामिन करने के लिए स्पेसिमेन की सरफेस को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स द्वारा इमेज या फोटोग्राफ बनाई जाती है अब ये इमेज कैसे बनती है इसको हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत फाइन पेंसिल स्पेसिमन पर फोकस की जाती है और सरफेस के ऊपर स्कैन की जाती है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या मे एक्साइड एमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पेसीमेन एट द पॉइंट वेर द बीम इज स्कैनिंग यानि कि जो स्पेसीमेन के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं वो दो तरह से काम कर सकते हैं या तो वो सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या दे एमिट या एक्साइट द एमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पेसिन अब ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रिड द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं एकत्रित कर लिए जाते हैं इस ग्रिड को हम कलेक्टर कहते हैं अब यह सॉलिड सेंटिलेटर में टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट उत्पन्न करता है लाइट हमें कहाँ दिखाई दे रही है सॉलिड सेंटिलेटर में है। एक स्पार्क दिखाई देगा द एम्पलीफायर लाइट का आउटपुट इज एम्प्लीफाइड इन द फोटो मल्टीप्लायर और वीडियो एम्प्लीफायर ये जो हमें लाइट का स्पार्क दिख रहा है जरा सा इसका एम्प्लीफिकेशन कहां पर होता है फोटो मल्टीप्लायर में ग्रिड से प्राप्त सिग्नल्स टेलीविजन ट्यूब पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जो स्कैन कर स्क्रीन पर इमेज बनाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर हम इमेज कहाँ देख रहे थे फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर लेकिन सैम या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम कहाँ देख रहे हैं थ्रू द टेलीविजन ट्यूब ये इमेज थ्री डायमेंशनल होती है सैम का रिजोल्विंग पावर टैम के कंपैरेटिवली लेस होता है केवल ट्वेंटी डिग्री आर्म स्ट्रॉन्ग तो ये कंपेरेटिवली टैम के काफी लो है अब हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है जो स्पेसिमेन के थ्रू पास होकर इमेज बनाते हैं जबकि सैम में इमेज उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनती है जो स्पेसीमेन के सरफेस से स्कैटर होते हैं दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं टैम में इमेज बनती है किससे वह उन इलेक्ट्रॉन से जो इमेज के थ्रू पास हो जाते हैं जबकि सैम में इमेज बनती है उन इलेक्ट्रॉन से जो स्पेसिमेन के सरफेस से स्केटर होते हैं टैम में सैंपल्स का बहुत थिन होना थिन होना बहुत जरूरी है ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू पास हो सकें तभी हमें क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देगा जबकि सैम में सैंपल कैन बी ऑफ एनी थिकनेस टैम में हम फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर इमेज देखते हैं जबकि सैम में हम इमेज को देखते हैं टीवी मॉनिटर पर टैम की इमेज टू डायमेंशनल डायमेंशनल होती है जबकि सैम इमेज इज ऑफ द सरफेस ऑफ द सैंपल किस किस इमेज दे रहा है हमको ऑफ द सरफेस ऑफ द सैंपल तो ये तो कुछ मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन टैम एंड सैम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा एडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस है मेन एडवांटेज है इसका वेरी हाई मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेन एडवांटेज है इसका मैग्निफिकेशन हाई रेजोल्यूशन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं उसकी स्टेनिंग फिक्सेशन कटिंग जो भी करते हैं मटेरियल प्रिपरेशन के दौरान डैमेज नहीं होता है और इसका ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड पेनिट्रेशन पावर बहुत गहरी होती है नाउ दी लिमिटेशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इतने फ़ायदे हैं इतना अच्छा हमें स्टडी के लिए रेजोल्यूशन मिलता है मैग्निफिकेशन मिलता है लेकिन लिमिटेशन्स भी हैं साथ ही उसके इसमें काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं जैसे लाइव स्पेसीमेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम किसी भी लाइव स्पेसिमेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से पहले मटेरियल को प्रोसेसिंग में डाला जाता है इलेक्ट्रॉन बीम की पेनिट्रेशन पार बहुत लो होती है बहुत कम होती है इसलिए स्पेसिमेन अल्ट्रा थिन होना चाहिए एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है वैक्यूम वैक्यूम चैम्बर में ही ये काम करता है इसलिए ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है कि स्पेसिमेन कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए एक और इसकी लिमिटेशन है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है टू बिल्ड एंड टू मेंटेन इसको बनाना और इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसी के साथ ही खत्म होता हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थैंक यू स्टूडेंट्स